हिमाचल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स प्रेपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। पौंग बांध विस्थापितों का मामला मुख्य रूप से इस दिन गूंजा। प्रश्नकाल में वैसे तो कई सवाल सरकार से पूछे गए, लेकिन पौंग बांध विस्थापितों का मामला प्रश्नकाल में मुख्य रूप से गूंजा। देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री से पूछा कि पौंग बांध बनने से कितने लोग विस्थापित हुए। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों का मामला 1960 से चला आ रहा है। हिमाचल की भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर है और राजस्थान सरकार से बातचीत कर मसले को सुलझाने की बात करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी सरकार के पास विस्थापितों की सही संख्या नहीं है और न ही यह जानकारी है कि कितने लोगों को मुआवजा व जमीन मिली है। पौंग बांध के अनुपूरक सवाल को आगे बढ़ाते हुए ठियोग के विधायक कॉमरेड राकेश सिंघा ने पूछा कि 1980 रंग राजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या किया जा रहा है, इन विस्थापितों के साथ न्याय कब होगा। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और लोगों को चयनित कर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। उस संदर्भ में हमने अंदर बात जो कहनी थी हमने कह दी है। प्रश्न था, हमने कह दिया है कि हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ व्यक्तिगत रूप से जब दिल्ली में हमारी बैठक थी उस वक्त हमने इस विषय को उठाया है और उन्होंने कहा कि आइए हम बैठते हैं, जल्दी इसका समाधान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर जेएस नेगी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में जेपी नड्डा के सिंगल नाम का प्रस्ताव आलाकमान को भेजा था, जिस पर आलाकमान ने भी मोहर लगाई है। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व चुनाव समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल की योजनाओं में 90-10 अनुपात की विशेष पैकेज दिया है, जिसके तहत केंद्र योजनाओं के लिए 90% धन मुहैया करवाया जा रहा है, जबकि हिमाचल का हिस्सा मात्र 10% है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मुझे प्रदेश चुनाव समिति और जिस पर मुहर राष्ट्रीय चुनाव समिति ने लगाई थी, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज नामांकन पत्र भरा है मैंने। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, उनको जहां मैं धन्यवाद देता हूं, चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, जिन्होंने मुझे ये यहां से नामांकन पत्र भरने के लिए आदेश दिया, और दूसरा मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव समिति और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी और चुनाव समिति ने जो प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव मेरे नाम का भेजा था, उसके लिए भी मैं चुनाव समिति का, जयराम जी का, सतपाल जी का धन्यवाद देता हूँ। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा ने हिमाचल के मुद्दों को हमेशा केंद्र में प्रमुखता से उठाया है और आगे भी वह क्रम जारी रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि नड्डा आगे भी हिमाचल के मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां एक सेल्फी वॉल भी लगाई गई, जहां लोगों ने जमकर सेल्फी खिंचवाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा ऐतिहासिक सेरी मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर उपायुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आज जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने यहां पर सेरी मंच पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कि कॉम्पिटेंट मोटर्स की तरफ से अपनी सहभागी सुनिश्चित की है। आज यहाँ पर जो है एक मेरे पीछे जो वॉल है वो एक बनाया गया है, जिसमें कि लोग यहाँ पर आके अपने मैसेजेस भी दे सकते हैं, और बगल में भी एक सेल्फ़ी वॉल भी क्रिएट की हुई है जिसमें कि लोग जो है अपनी सेल्फी उसके साथ पोस्ट कर सकते हैं। पहले तो इस नारी दिवस पे सभी नारियों, बेटियों, माओं, बहनों सबको शुभकामनाएँ। सब आप पुरुष लोग उनको आज गिफ्ट दें, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, बहन को, और उनके लिए ये दिन स्पेशल बनाएं। वही महिला दिवस के अवसर पर सेरी मंच पर सेल्फी वॉल भी बनाई गई थी, जहां लोगों ने जमकर सेल्फी खिंचवाई। इस अवसर पर युवतियों और महिलाओं ने भी अपने विचार पोलस्टार टीवी के साथ साझा किए। सबसे पहले तो मैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें किसी भी तरह से लड़कियों को किसी भी चीज़ से कम नहीं समझना चाहिए। बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ इज़ अ गुड थिंग, और हमें इसको आगे ले जाना चाहिए। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से फूलों एक माला बनाने के लिए हमें हज़ारों फूलों की ज़रूरत होती है, और साथ में हमें एक समुद्र बनने के लिए मतलब लाखों बूंदों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक अकेली स्त्री जो होती है वो पूरे घर को स्वर्ग बनाती है। तो इसीलिए मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वुमेंस डे एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस पावर का तो सबको मालूम है, बिना स्त्री संसार ही नहीं चल सकता, और उसकी इज्जत करना ये हर आदमी का फ़र्ज़ है। आज अगर समाज में स्त्रियों को बुरी नज़र से देखा जाता है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ये सबसे गलत बात है। हर इंसान को चाहिए अपने घर से शुरू करें, अपनी बेटियों से शुरू करें, अपनी मम्मी से शुरू करें, अपनी वाइफ से शुरू करके पूरे समाज में हर औरत को इज्जत दें। हैप्पी वुमेंस डे, गर्ल पावर रॉक ऑन। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। महिला दिवस की धूम तो आपने देखी थी, लेकिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है और कब इसे मनाना शुरू किया? सालों से दुनिया भर के लोग महिला दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, आइए नजर डालते हैं महिला दिवस के इतिहास पर। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का भी अधिकार दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया था। ये आइडिया एक औरत का ही था। क्लारा जेटकिंग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 औरतें मौजूद थी। उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। वहीं 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर क्यों 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आइए यह भी आपको बताते हैं इस अंक में। दरअसल क्लारा जेटकिंग ने महिला दिवस मनाने के लिए कोई तारीख पक्की नहीं की थी। 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और अंत में सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था। जिस दिन महिलाओं ने यह हड़ताल शुरू की थी वो तारीख 23 फरवरी थी। ग्रेगेरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था, और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाने लगा। कई देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। जिस प्रकार की आज़ादी आज
महिलाओं को प्राप्त हुए देखते हैं वे पहले नहीं थी। ना ही तो वे पढ़ पाती थी, ना नौकरी कर पाती थी और न ही उन्हें वोट डालने तक की आजादी थी। धीरे धीरे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी। अगर आपको प्योर वेज फूड पसंद है तो आपको बता दें कि मंडी शहर के समीप लगते सौलीखड में खुल गया है मीरा महल रेस्टोरेंट, जहां पर आपको हेल्दी और टेस्टी फूड मिलेगा। मंडी शहर से कुछ ही दूरी पर सौलीखड में हाल ही में ओपन हुआ है मीरा महल रेस्टोरेंट, जहां आपको प्योर वेज फूड मिलेगा। मीरा महल रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मीरा महल की फूड क्वालिटी के बारे में बताते हुए रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट के MD भगवंत सिंह ने कहा कि मीरा महल का खाना काफी स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का होता है। वहीं उन्होंने कहा कि यह मंडी शहर में खुलने वाला दूसरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है। मंडी शहर में एक वेज रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो एक रेस्टोरेंट जो है विस्को, वो उसके अलावा ये जो रेस्टोरेंट है ये दूसरे नंबर पे, ये जो रेस्टोरेंट खुला है वेज, और मंडी में कोई भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो इस वेज रेस्टोरेंट की एक तो खासियत है कि मंडी के बिल्कुल नज़दीक है, जस्ट सौलीखड में पड़ता है, और मंडी में बहुत से लोग हैं जो वेज पसंद करते हैं। वहीं मीरा महल के MD दिनेश डडवालिया ने कहा कि मीरा महल का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़िया क्वालिटी और हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाना है। ये जो हमने रेस्टोरेंट प्लान किया है मंडी में, ये बहुत ही सोच समझ के और काफ़ी लंबे समय तक सोचने के बाद निर्णय लिया है। उसमें अपने मंडी के लोग जो है खाना, अच्छा खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, और ख़ासकर वेजिटेरियन खाना। तो इसके लिए हमने अपना कॉन्सेप्ट भी प्योर वेज के ऊपर ही रखा है कि मंडी के लोगों को बिल्कुल प्योर खाना और एक अच्छी हेल्दी हाइजेनिक कुकिंग मिले। तो हम इसमें ऑयल भी अपना राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, जो कि उसकी क्वालिटी को और बढ़ा देता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते मैं अपने रेस्टोरेंट की जो फूड क्वालिटी है और जो सर्विस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी। ABVP द्वारा भी डिग्री कॉलेज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने कहा कि जो सम्मान आज के दिन महिलाओं का किया जाता है वह हर दिन करना चाहिए। मेरा एक ही आग्रह है कि जो सम्मान हम आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाओं का करते हैं, वो सम्मान सिर्फ आज के दिन ही ना हो, वो सम्मान निरंतर चलता रहे और हम अपने घर में, अपने घर, अपने समाज, अपने गाँव में, अपने आसपास सभी महिलाओं का सम्मान रूप से सम्मान करें हमेशा। और इस महिला दिवस की हिमाचल में सभी महिलाओं को, सारे देश में सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज 8 मार्च को वुमेंस डे बनाया गया, जिसमें कि कई छात्राओं ने बहुत सारे पार्टिसिपेट किए, जिसमें हमने मेहंदी कंपटीशन रखा, डेक्लेमेशन का रखा और पोएम्स वगैरह रखी, जिसमें कि हमने नारी के बारे में बताया कि नारी शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है और नारी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, जिसमें कि मैं यही बोल रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं छात्रा अंकिता ठाकुर का कहना है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, वह हर क्षेत्र में आगे हैं, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज मैं आप सभी को वुमेंस डे की डे के दिन में बधाई देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, और साथ में ये भी मैसेज करना चाहूँगी कि वुमेंस किसी से कम नहीं होती, हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और जो भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, उसे तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे करके दिखा दो। कलियाँ हैं हम बाग की, सारे जहाँ को महकाएंगी, कलियाँ हैं हम बाग की, सारे जहाँ को महकाएंगी। पैदा ही नहीं होने दोगे हमें तो किसी और को कैसे दुनिया में ला पाएंगी, पंख दोगे तो उड़कर दिखाएंगी, साथ दोगे तो तरक्की की ओर ले जाएंगी, पंख दोगे तो उड़कर दिखाएंगी, साथ दोगे तो तरक्की की ओर ले जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी। जगह जगह इस दिन खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डिग्री कॉलेज मंडी में भी महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वहीं इस अवसर पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मंडी आईडी शर्मा ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हमारे कॉलेज में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डेक्लेमेशन कंटेस्ट हैं और इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट इज़ बेसिकली ए सीरियस रिमाइंडर ऑफ अवर ड्यूटीज़, social concerns and how this empowerment can be achieved. Being empowered means to make society aware of its responsibilities, and the women folk should also realize that they can grow. Aur empowerment ka matlab hai ki unke andar jo potential hai, jo chhipa hua hai, uske bare mein unki awareness kitni zaruri hai, aur society unke bina bilkul adhuri hai. तो आज के दिन विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सामाजिक जो सरोकार है, जो कंसर्न है, ये बहुत आवश्यक है, और हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी जो यंग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं कॉलेज में और स्कूल्स में, उनको भी एक मोरल सपोर्ट देने का दिन है और उन्हें ये याद दिलाने का दिन है कि वो भी समाज में रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आगे आएँ और अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे सोसाइटी को दें, क्योंकि वो भी उतनी स्ट्रांग है जितने की मेल्स हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आज के इस दिन। इस अवसर पर भाषण व कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी माँ बहन बनकर घर घर की शान है औरत, बेटी माँ बहन बनकर घर घर की शान है औरत। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। महिला एवं बाल विकास विभाग हमीरपुर द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली भी निकाली गई। महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इससे पहले हमीरपुर के गांधी चौक से उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। उपायुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि हमीरपुर जिला में लिंगानुपात में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया गया है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए भी नियमित तौर पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही बेटा बेटी एक समान का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। राकेश प्रजापति ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेटियों ने देश और समाज में अपना नाम रोशन किया है। खेलों के साथ साथ अब सेना में भी बेटियां अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में भी महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए महिलाओं को अपनी कारगर भूमिका निभानी होगी। वहीं इस अवसर पर एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से महिलाओं को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। माँ पत्नी बहन जैसे कई रिश्तों में एक महिला हमेशा साथ होती है। माँ के रूप में एक महिला को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। वैसे माँ और बेटी के प्यार भरे रिश्ते को दर्शाता एक वीडियो आप जरूर देखें, लेकिन जाने से पहले पोलस्टार टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी तमाम महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया है, जो किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं, और स्पेशली हमारी गृहिणियों को बड़े वाला सैल्यूट तो बनता ही है, जिन्होंने अपने से ज़्यादा अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं और खुद सारा दिन किचन में रहती हैं, लेकिन पूरा दिन भर वो भूखी रहती हैं और सबसे पहले अपनी फैमिली का ही ध्यान रखती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमाचल रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार। पहली बार माँ बनने का एहसास, काश मैं देख पाती तुम्हारे चेहरे पर माँ बनने की खुशी क्या होती है। चलना सिखाया तुमने, हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के, और मुझे लगा था
कि मैं अपने आप ही चलने लगी हूँ। मुझे क्या चाहिए हमेशा मुझसे पहले तुम्हें पता चल जाता था। इंजेक्शन तो मुझे लगा था पर दर्द मुझसे ज्यादा तुम्हें हुआ था। कितनी नींदें खराब की मैंने तुम्हारी, वो रात बेरात जगना और सुबह सुबह उठना, जैसे तुम्हारा सारा वक्त बस मेरा ही होकर रह गया था। खुद स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तुमने, पर पहले ही दिन मुझको खुद से दूर भेजने के ख्याल से ही रो पड़ी थी। तब कितना समझाया था मैंने तुम्हें तुम्हारी दादी अम्मा बनकर। याद है शैतानियों पर तुम्हारी वो डांट प्रिया, जिसमें प्यार असली होता था और गुस्सा एकदम नकली। बुरे सपने से डरी हुई कभी कभी मैं तुम्हारे अंदर छुप जाती थी, पर कभी तुम्हें भी डरी हुई देखूंगी ये पता नहीं था। जब मैं हाई फीवर में तप रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सिर्फ बुखार ही तो था माँ। और एक बार जब डीडीएलजी की एक्टिंग करने के चक्कर में जोर से गिरी थी, ऊपर से प्रिंसिपल की डांट, कितना रोई थी मैं। बोर्ड एग्जाम में मेरा वो फेल होने का डर और फिर अच्छे नंबर से पास होने की खुशी, अरे मुझसे ज्यादा तो तुम नाच उठी थी माँ। थोड़ी बड़ी होने पर जाने अनजाने मेरी अपनी एक अलग सी दुनिया बनने लगी थी, तुमसे दूर। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझे समझ नहीं पाते। डांटना, झगड़ना और फिर मनाना, जैसे लगा ही रहता था। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वाली नई नई यादें बनती गईं। पर इन सब में मैं एक पुराने दोस्त को कब भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने काम की धुन में खो सी गई थी, देख नहीं पाई कि कितनी नींदें खराब की तुम्हारी इस बड़ी बच्ची ने। ना कभी तुम्हारी फिक्र समझ पाई, ना तुम्हारी खामोशी सुन पाई।
तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया माँ, लाइफ के हर खूबसूरत मोड़ पर हाथ दिया, मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। पर पता नहीं आज तुम्हारी बदमाश बेटी को ये सारी बातें अचानक कैसे याद आ रही हैं, जैसे एक ही पल में सब समझ आ गया। सच में आज मैं सिर्फ मां ही नहीं, फिर से एक बेटी बन गई हूं। सॉरी मां,